जैपनीज ऑमलेट बना रहे हैं हम, और जैपनीज ऑमलेट ही बड़ा मज़े का है, बड़ा डिफरेंट और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। ये हमने अंडे यहाँ पे 4 अदद अंडे फेंट लिए थे, इसमें हम 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे चाइनीज सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पहले से पिसी हुई काली मिर्च का कोई जायका नहीं होता, सो मेक श्योर कि जब भी शामिल करें ताज़ा कुटी हुई शामिल करें। इसके साथ साथ हम इसके इंग्रेडिएंट आपको क्विक रिकैप दे दें, 4 अदद इसमें अंडे थे, उसके साथ साथ इसमें मैदा है 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, गाजर बारीक कटी हुई जिसको हम जूलियन कटिंग कहते हैं ये 2 अदद हैं, और साथ में मशरूम स्लाइस किए हुए 1/2 कप, तकरीबन 3 से 4 अदद अगर साबुत हैं, स्प्रिंग अनियन हरा प्याज ये 2 अदद, तेल इसमें 6 खाने के चम्मच शामिल होगा, बॉइल्ड पोटैटो 2 अदद हैं जिनको हमने छोटी क्यूब में काटा हुआ है, और मटर है 1/2 कप, और इसमें मकई है स्वीट कॉर्न 1/2 कप, और चाइनीज सॉल्ट 1 हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने सिंपली ये करना है कि मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगा। अच्छा, ये ऑमलेट बिल्कुल धीमी आँच पर बनेगा, मैं आपको पहले आँच दिखा दूँ, ये बहुत अहम है, ऑमलेट के आउटर लेयर को कलर नहीं आना चाहिए, सो मेक श्योर कि बिल्कुल धीमी आँच है, देखिए इस आँच पे पकेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं जो हमने अंडे फेंटे थे, इसको हम फेंट लेते हैं, और जिसमें नमक शामिल किया, चाइनीज सॉल्ट और काली मिर्च, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया, 4 अदद अंडे, और इसको आप क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं इसकी, ये बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट सा ऑमलेट बनता है। तो ये चूल्हा पहले मैंने ऑन किया हुआ है, और ऑयल जो 6 खाने के चम्मच है एक साथ शामिल नहीं करना है, ये थोड़ा सा ऑयल पहले शामिल किया बस, और इसको हमने इस पैन के ऊपर फैला देना है, राउंड पैन हो कोई मसला नहीं, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर पैन था इसी वजह से मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जैपनीज ऑमलेट बनता ही इसी पैन में मोस्टली, इसका तरीक़ाकार भी बहुत डिफरेंट है, ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऑयल फैला दिया इसमें, और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, फिर इसमें सारे ये सब्ज़ियाँ शामिल होंगी, और फिर ये फोल्ड होगा, जैसे ही आपका पैन थोड़ा सा गर्म हो उसके बाद आपने ये ले लिया अंडा, और अंडे को आपने इसमें थोड़ा सा फैला देंगे हम, इसको मैंने आपको बताया कि धीमी आंच पे पकेगा और तेज़ आंच पे नहीं पकेगा, और कोशिश करेंगे कि इसको हम फैलाएं, जहाँ पे हीट कम है वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ताकि अंडा थोड़ा सा पकना शुरू हो, जमना शुरू हो, थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और बस। चलिए जी, जहाँ पे अंडा नहीं पहुँचा ये देखें, वहाँ पे चूल्हे की तरफ आप इसको ले जाएं ताकि अंडा वहाँ पकना शुरू हो जाए, एक दफ़ा जैसे सेट होना शुरू हो जाएगा इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे बस। अब इसकी आँच हम बिल्कुल धीमी कर देते हैं और इसकी लेयरिंग की तरफ आ जाते हैं, लेयरिंग में सारी चीज़ें सब्ज़ियाँ, ये थोड़े से इसमें हमने मशरूम शामिल कर दिए, मकई आ गई, स्वीट कॉर्न, और साथ में आ गया इसमें मटर। अच्छा, जो भी चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं मस्त नहीं है सारी की सारी, जो सी चीज़ें आपको आसानी से दस्तियाब हो, आजकल महंगाई इतनी है कि अल्लाह माफ़ी दे, तो सस्ती चीज़ जो भी आपको मिल सके तो वो उसमें यूज़ कर लें। थोड़ा सा अंडा मैं इसको यूज़ करूँगा साइडों में भी ताकि इसकी साइड बन जाए बस। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई गाजर, जूलियन, साथ में हरा प्याज, और साथ में बॉईल किए हुए क्यूब में कटे हुए आलू, दैट्स इट। चलिए, और इसको हम थोड़ा ज़रा फैला देंगे। अच्छा, नॉन स्टिक पैन में ध्यान में रखिएगा, कभी भी स्टील का कोई चम्मच, अभी तो मैं ऊपर की लेयर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी स्टील का चम्मच इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ ना करें, लकड़ी का चम्मच भी इसमें कोशिश करें कि यूज़ ना करें, लकड़ी की एजेस बहुत हार्ड होती है, अगर बहुत यूज़ किया हुआ चम्मच है जो बिल्कुल थोड़ा राउंड हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको शक है कि इसकी एजेस शार्प है तो फिर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया इसका, मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि मैं लेयरिंग कर रहा था, टाइम लग जाता, इसी वजह से इसको हमने साइड से थोड़ा बंद कर दिया, और इसके बाद इसकी साइडें थोड़ी छुड़ाते हैं, और इसके बाद इसकी फोल्डिंग शुरू करेंगे। देखें, और इस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि इसको बिल्कुल धीमी आँच में हमने पकाना है ताकि इसके ऑमलेट के ऊपर इसका कलर ना आए, सो इसको आराम आराम से 2 स्पैचुला लेके इसको हम फोल्ड करेंगे। जितना ऑमलेट पका था उसको हमने साइड पे कर दिया, इसके बाद जो ये मिक्स बचा हुआ है इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लेंगे, और बस ये सारा मिक्स डाला,
और अब हमने इसको उस ऑमलेट से जो साइड पे पकी हुई थी उससे इसको जोड़ना है। सो मेक श्योर कि चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता हो या तकरीबन बंद हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगेन नॉन स्टिक पैन में आपने इसको चम्मच इस तरह चलाना है कि अंडा इसमें थोड़ा सा पकता जाए। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा मिक्स किया और बस इसके बाद जैसे ही जमना शुरू हो गया आपने सिंपली इसका चूल्हा आहिस्ता कर दिया। और इसके बाद वापस आते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। जो लेयर हमने पहले बनाई थी एग्जैक्टली वही लेयर दोबारा बनेंगी इसमें। ये आ गया आलू, साथ में आ गए इसके मटर और ये बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑमलेट है जिसमें सब्जियां भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक और चीज़, मैदा 3 खाने के चम्मच लिखा हुआ था जो हमने अंडे के मिक्स में शामिल करना था, नॉट अ मस्ट, शामिल कर दें तो बेहतर है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली अंडे को थोड़ा सा ज़रा बॉडी देने के लिए ताकि जब इसको आप रोल करें तो टूटे नहीं, वो सिर्फ इसलिए। मशरूम शामिल कर दिए, चूल्हा मैंने बंद करके रखा हुआ है, अगेन जहन में रखेगा अदरवाइज ही अंडा नीचे से जल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई गाजर, मकई और साथ में हमने इसमें हरा प्याज, दैट्स इट बस। नॉर्मली कुछ लोग मेयोनीज इस तरह लगाते हैं, कुछ लोग इस पर शामिल करते हैं ऑयस्टर सॉस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, केचप, बहुत सारी चीज़ें। बेस्ट वैसे इसका जो टेस्ट आता है वो ऑयस्टर सॉस के साथ ही आता है। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें एंड दैट्स इट। तो हमारा जैपनीज ऑमलेट रेडी हो गया। जैपनीज ऑमलेट, अज्जा, अंडे 4 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, इसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, बारीक कटे मशरूम आधा कप, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, मटर आधा कप, मकई आधा कप, चाइनीज़ सॉल्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब, एक बोल में अंडे, नमक, मैदा और चाइनीज़ सॉल्ट अच्छी तरह मिक्स कर लें। अलग पैन में 2 खाने के चमचे तेल डालें, फिर एक मिक्सचर में मैदा और सब्जियां शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पैन में मिक्सचर डालकर धीमी आंच पर ढककर पकाएं, फिर 2 खाने के चमचे तेल डालकर ऑमलेट को पलटें और हस्पे ज़रूरत तेल मिलाकर ऑमलेट को पैन से निकालें और टुकड़ों में काट के सर्व कर दें।